Hi all, in today's video we are going to learn about a grammar pattern which we could use to talk about a completed action which took place in the past. तो अगर इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर हिंदी में, तो आज हम वो सीखने वाले हैं ग्रामर के वो पैटर्न जिसकी हेल्प से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे पास्ट में हुए एक्शंस को. पास्ट में हमने जो भी कुछ किया है तो कैसे हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे उसको आज सीखेंगे. तो प्लीज़ जो है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. एंड सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप न्यू हैं, ताकि अगर हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए. So please subscribe this channel and press the bell icon. तो हम पैटर्न बता देते हैं. पैटर्न क्या है? What's that pattern is? It's very simple. It's subject plus second form of verb plus object. Subject, second form of verb plus object. Now few of you must be thinking what is this second form of verb. So Will, don't be confused, I'll explain you. Say what second form of verb is. In Hindi, if I tell you कि अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और अगर मुझे पास्ट में बोलना है तो मैं बोलूँगा मैंने इंग्लिश पढ़ाया. तो पढ़ाया है पढ़ाता हूँ becomes पढ़ाया. अगर मैं फ्यूचर में बोलूँ तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा. तो पढ़ाता हूं becomes पढ़ाऊंगा. इन अ सिमिलर फैशन इवन वी मेक वेरिएशंस इन इंग्लिश एज वेल. वर्ब में वेरिएशन हम करते हैं, जैसे कि जिसकी हेल्प से हम पास्ट टेंस को बोल पाते हैं. तो सिर्फ एक चीज माइंड में रखनी है कि जब भी हम पास्ट में बोलेंगे तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. बस एक चीज इसको माइंड में रख लीजिए, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट यू विल जस्ट यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. नाउ विल लुक एट सम एग्जाम्पल सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड क्लियरली. ये एग्जाम्पल देखते हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि मैंने कल आपको कॉल किया. अगर वही मैं बोलूं कि मैं आपको रोज कॉल करता हूं तो इसकी इंग्लिश होगी आई कॉल यू एवरी डे. बट मैंने पास्ट में बोला मैंने कल कॉल किया तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई कॉल्ड यू यस्टरडे. तो कॉल की सेकेंड फॉर्म है कॉल्ड. ठीक है, तो क्या होगा? आई कॉल्ड यू यस्टरडे, और कल की इंग्लिश है यस्टरडे, इतना तो आपको पता होगा. तो आई कॉल्ड यू यस्टरडे. ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैंने कल आपसे बात की थी. ठीक है, मैंने कल आपसे बात की थी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई टॉक टू यू यस्टरडे. आई टॉक की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी टॉक टू यू यस्टरडे, मैंने कल आपसे बात करी थी. और इवन यू कुड से आई हैड अ वर्ड विद यू यस्टरडे. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये गलत समझ लिया. तो अगर कोई आपको हमेशा बोलता है आप हमेशा गलत समझते हो मुझे, तो आप बोल सकते हो यू ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड मी. बट अगर कोई पर्टिकुलरली बोला किसी बात पे कि आपने मुझे गलत समझ लिया, तो क्या बोलेंगे? तो मिसअंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी मिसअंडरस्टूड. तो वॉट वी कैन से इज यू मिसअंडरस्टूड मी. You misunderstood me. Sentence: Jones का कल एक्सीडेंट हो गया. तो एक्सीडेंट होने की इंग्लिश होती है meet with an accident. तो कल हुआ है तो पास्ट में हम बोल रहे हैं, तो meet की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी met. तो हम क्या बोलेंगे? इसकी इंग्लिश होगी Jones met with an accident yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने कल राहुल से 500 रुपए उधार लिए, बोरो किए. तो उधार लेने की इंग्लिश होती है बोरो.
तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, आई बोरोड 500 रुपीज फ्रॉम राहुल यस्टरडे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया, बहुत सारी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से उसने मना किया। माइट बी रिपोर्ट सेंड करने के लिए और ईमेल सेंड करने के लिए, और मे बी टू गो आउट विद यू। तो इसकी इंग्लिश होगी, शी सेड नो टू मी, शी सेड नो टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मेरा फायदा उठाया। फायदा उठाने की इंग्लिश होती है टेक एडवांटेज, और हम बात कर रहे हैं पास्ट की। उसने फायदा उठाया उठाया, तो इसकी इंग्लिश होगी, शी टुक एडवांटेज ऑफ मी। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, तो क्या होगी, शी टुक एडवांटेज ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे धोखा दिया, धोखे देने की इंग्लिश होती है चीट। तो पास्ट की हम बात कर रहे हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, तो चीट से सेकेंड फॉर्म हो जाएगी चीट की, चीटेड। तो हम बोलेंगे शी चीटेड ऑन मी, शी चीटेड ऑन मी। ठीक है, और आज का आखिरी जो है सेंटेंस है, आज का लास्ट सेंटेंस, उसने मुझे झूठ बोला। उसने मुझे झूठ बोला, तो झूठ बोलने की इंग्लिश होती है लाई। तो लाई की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी लाई, तो इसकी इंग्लिश होगी, ही लाइड टू मी, ही लाइड टू मी। उसने मुझसे झूठ बोला, ही लाइड टू मी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपने मजा किया होगा, आपको एंजॉय किया होगा इस वीडियो का, यू एंजॉयड। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। हमने आपको सेंटेंस बताया, आप बस पास्ट का जितना भी सेंटेंस आप बना सकते हो, जितना भी कर सकते हो, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग गाइस एज मच एज पॉसिबल। रटिए मत, सेंटेंस को रटना नहीं है, हमने इतने अच्छे से समझाया है, आप समझिए, और समझने के बाद से आप प्रैक्टिस कीजिए एक एक सेंटेंस की। अपने पास से एक एक सेंटेंस लेके आइए, पास्ट में सोचिए और जस्ट ट्रांसलेट कीजिए उसकी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप ट्राई कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।